गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सबको नाउन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, हम सब लोग बचपन से ही डेफिनेशन सबको याद कराई जाती है। नाउन, नाउन की डेफिनेशन आप सभी को बचपन से याद कराई जाती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये डेफिनेशन आप सभी बचपन से याद करते हैं और सभी को यह याद कराया जाता है सबसे पहले इंग्लिश में कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, नाम, नाउन माने संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल, राम, ताजमहल, चेयर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। अब नाउन्स के प्रकार मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, इसके एग्जाम्पल इसमें कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। नाउन्स आर ऑफ फाइव टाइप्स। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? फाइव टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनके अंदर क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, उसकी डिटेल पे चलते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, पशु पक्षी या किसी वस्तु का नाम जो प्रॉपर हो मतलब फिक्स्ड हो, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि किसी का नाम राम है तो वो प्रॉपर है, प्रॉपर नेम है किसी बॉय का। आगरा एक प्रॉपर जगह है, ठीक है, और टाइगर एक प्रॉपर एनिमल है। ठीक है, प्रॉपर मतलब किसी का नाम हो उसे प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहा जाता है? कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब जिसका कॉमन हो मतलब सबके लिए वही इस्तेमाल किया जाए। जैसे ब्लैक काउ को भी काउ ही बोला जाएगा, व्हाइट काउ को भी काउ बोला जाएगा, ब्लैक पेन को ब्लैक पेन बोला जाएगा। तो ये पेन जो है कॉमन है, स्टूडेंट जो है कॉमन के लिए होता है, गर्ल भी हो सकती है स्टूडेंट, स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है। तो ये है कॉमन नाउन के अंदर आता है, जो दोनों हर चीज के लिए कॉमन इस्तेमाल किया जाए वो कॉमन नाउन कहलाता है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर कुछ चीज जो चीजें हमको कलेक्शन में होती हुई दिखे वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे कि बंच ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का गुच्छा, मतलब जिसे कहते हैं गुलदस्ता। गुलदस्ते में क्या होता है? फ्लावर्स जो होते हैं बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, मतलब इसमें जिसमें हम लोग कलेक्शन का समझ में आया कि कलेक्शन हो रहा है। जैसे हर्ड ऑफ एनिमल, हर्ड का मतलब होता है झुंड, जानवरों का झुंड, इसमें क्या है? कलेक्शन हो रहा है। तो सेम चीज का जब कलेक्शन होता है तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल इससे ये मतलब समझे कि जो भी आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस मटेरियल का बना है। फॉर एग्जाम्पल आप चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेयर आपकी कैसी है? वो वुड की बनी है हो सकती है, वो लोहे की बनी हो सकती है, आयरन की बनी हो सकती है, वो प्लास्टिक की बनी हो सकती है। द मटेरियल यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जो वस्तु आपने इस्तेमाल की है किसी बनाने के लिए किसी वस्तु को, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे वुड, आयरन लिखा है, आप इसमें प्लास्टिक भी कह सकते हैं, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है कि उसके अंदर प्लास्टिक का काम आ सकता है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज होती है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। अभी तक हमने जितनी चीजें कही उसको हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग केवल उसको फील कर सकते हैं और ना ही उसको हम दिखा सकते हैं। जैसे आई हैव पेन, अब पेन कितना है मैं आपको नहीं दिखा सकता। हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं जो होती हैं जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, मुझे प्यार है, अब प्यार कितना है वो बता नहीं सकते। मैं खुश हूँ, कितना खुश हूँ उसको नहीं बता सकते, इतना खुश हैं कि इतना ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं जिसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो यही थी पांच चीज़ें जो नाउन के बारे में आपको सब जाननी जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे अगली चीज़ें सेंटेंस के बारे में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए।